नई सरकार के बनने के बाद पंजाब की जनता के लिए एक राहत भरी खबर आई है, जहां कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने कहा है कि फिलहाल पंजाब में बिजली की दरों को बढ़ाया नहीं जाएगा। यह मौका कपूरथला नगर में काउंसिल आयोजित एक कार्यक्रम का था, जहां कैबिनेट मंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। नगर काउंसिल कपूरथला को नई फायर ब्रिगेड की सौगात मिली है। कपूरथला से विधायक और अमरेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने नगर काउंसिल कपूरथला को नई फायर ब्रिगेड की गाड़ी सौंपी। कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत ने कहा कि आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने में काफी मदद मिलेगी। फायर ब्रिगेड नगर काउंसिल कपूरथले च नवी आई है, ये करीब साढ़े को 35 साल पुरानी जड़ी सी फायर ब्रिगेड इतने सी, एक 40 साल पुरानी है, जंग हो चुकी सियाँ और करीब 10 साल तो लगातार साड़ी नगर काउंसिल फायर ब्रिगेड की मंग कर रही सी और लोगों की बड़ी भारी डिमांड सी जी भारत पंजाब दे विच सरकार आउंदे ही कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। पंजाब के बिजली मंत्रालय का जिम्मा भी राणा गुरजीत सिंह पर है। राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि पंजाब में बिजली की दरों में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। बिजली विभाग हर पासों, चाहे वो परचेज ऑफ पावर है, चाहे परचेज ऑफ कोल है या इन्वेंटरी है, उन्हें सारिया चीज़ों पर असी गौर करते हुए और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वचनबद्ध ने कि बिजली दी दरां नहीं वधाईया जाणगियां। राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि अमरिंदर सरकार अपने हर वादे पर खरा उतरेगी और जनहित में लगातार काम कर रही है। संदीप ओबराय, जी मीडिया, कपूरथला।